So what's up everyone, this is me Satyal Sharma. After a long time I am back with a slightly bigger video क्योंकि इसमें थोड़ी सी strategy वाली बात आ जाएगी. My midterms are over so I decided to make a video. I had already posted a community post in which I had asked you guys to mention some topics on which you want a particular video and this was one of the topics that someone has requested and this was very unique topic, right? I have never touched on this particular topic कि how to gear up for JEE Advanced After doing JEE Mains या JEE Mains level के question हो जा रहे हैं आराम से, तो अब JEE Advanced की preparation के लिए कैसे move on करें? कुछ myths हैं, कुछ methods हैं जिससे हमें follow करना चाहिए, तो video को पूरा देखना. End में एक bonus point बताऊंगा जो तुमको एकदम surprise कर देगा, shock कर देगा, but ऐसा हो चुका है JEE Advanced में, तो video पूरी देखना. Let's start the video. First point, Mains and Advanced are two different examinations, right? बहुत से ऐसे misconceptions हैं कि मेंस का जो रिजल्ट है दैट विल डिसाइड योर रिजल्ट ऑफ JEE Advanced. नो, द फैक्ट इज नॉट द आई वोंट से कि 100% ये ट्रू है, 100% ट्रू नहीं है, बट 30% या 40% ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिनके मेंस में बहुत कम नंबर आते हैं बट एडवांस में दे स्कोर वेरी वेल. मैंने यहां लिख भी रखा है, मेंस में रैंक है 16,500, राइट, मेरे खुद के फ्रेंड की 16,500 और एडवांस में 6,000 रैंक है. Now, अगर उसने ये सोच लिया होता कि नहीं, मेंस के जो टॉप के 10,000 होते हैं वही एडवांस में भी 10,000 के अंदर आते हैं, then he would have not achieved that particular mark in JEE Advanced, but उसने ऐसा नहीं सोचा. एक होती है मेंस ओरिएंटेड स्टडी और एक होती है एडवांस ओरिएंटेड स्टडी. जो लोग एडवांस ओरिएंटेड स्टडी करते हैं दे माइट स्कोर लेस इन JEE मेंस बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, दे विल स्कोर बेटर मार्क्स इन JEE Advanced. सो ऑलवेज डू एडवांस ओरिएंटेड स्टडी बिकॉज योर अल्टीमेट टारगेट इज IIT, राइट. टारगेट हमेशा बड़े रखोगे देन इट वुड बी बेटर. और एग्जांपल देख लो, 18,000 से 8,000, 62,000 से 8,000, ऐसे ऐसे केसेस हैं, 85,000 से 11,000. ये मेरा खुद का फ्रेंड है, मैंने इसका पॉडकास्ट भी लिया है गौरव सिंह के नाम से, तुम लोग देख सकते हो. अब तुम कहोगे भैया लेकिन 85,000 इन JEE मेंस एंड 11,000 इन JEE एडवांस, बट तुम कहोगे भैया 11,000 में हमें JEE एडवांस में क्या मिलेगा, दिस इज सफिशियंट टू यू नो गिव यू एंट्री टू न्यू IITs, थर्ड जेन IIT जितने वहां आप एंट्री कर सकते हो, सिविल या मैकेनिकल लेके, जनरली सिविल लेके जा सकते हो. सो एंट्री के लिए 11,000 रैंक एक बढ़िया रैंक मानी जाती है बिकॉज टोटल 16,000 सीट्स होती हैं. अगर तुम लास्ट एकदम कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल जितने नए IITs हैं, मेरे IIT का ही ले लो, IIT जम्मू के जो मेटलर्जी नहीं यार मटीरियल साइंस जो ब्रांच होती है उसके आई थिंक 15,000 में बंद हो जाती है. सेकेंड पॉइंट, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट वी डू इन मेंस इज दैट वी ट्राई टू कवर 100% सिलेबस बट एडवांस में इट्स जस्ट द अपोजिट. यू हैव टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स रादर देन कवरिंग द सिलेबस. ओके, अगर तुम्हारा 70% या 80% सिलेबस भी बहुत अच्छे से तैयार है देन यू वुड स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन JEE Advanced बिकॉज JEE Advanced में बहुत ज्यादा टॉपिक्स का वेरिएशन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट्स का लेकिन बहुत वेरिएशन आता है. सो यू हैव टू डू एक्सटेंसिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑल्सो. मैंने यहां लिख भी रखा है क्या मेथड फॉलो करना चाहिए हमें कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करने के लिए या क्या पर्टिकुलर मेथड मैंने फॉलो किया था. पिक टू टॉपिक्स अ डे, राइट, दो टॉपिक उठाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, एक फिजिक्स उठाया और एक मैथ्स उठाया एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. टॉपिक इन द सेंस चैप्टर भी कह सकते हो, चैप्टर को कवर करने में हो सकता है टाइम लगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन पिक टू चैप्टर्स अ डे, राइट, फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड सेट अ टारगेट ऑफ 2 to 3 days की इन 2 से 3 दिन में मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर के सारे PYQs या सारे मेरे पास जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं या जितनी बुक्स हैं उनके सारे क्वेश्चन कर लूंगा. तो ऐसे करोगे देन यू राइट नाउ आई थिंक यू हैव 90 to 120 days. सो इजिली तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स या जो वेटेज वाइज बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहता है जिनका JEE Advanced में, वो कवर हो जाएंगे. और ये वेटेज वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगा फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों तीनों के लिए. थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर नेगलेक्ट NCERT. ये मैं JEE मेंस में भी कहता था और JEE Advanced में भी कहूंगा कि NCERT को नेगलेक्ट नहीं करना है. एक एक मार्क से बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है रैंक में, 200 जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे 200 रैंक का शिफ्ट होता है, राइट. तो 200 रैंक से हो सकता है तुम्हारी ब्रांच चेंज हो जाए, सो हु नोस. तो NCERT नेगलेक्ट नहीं करना है. और मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक मार्क से 200 रैंक डिफर करता है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन आता है हमारा और इनऑर्गेनिक 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो NCERT से आता है. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव रेड NCERT प्रॉपरली देन जस्ट पिक JEE Advanced 2021 पेपर, यू विल सी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, 1 फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री,
वन फ्रॉम मेटलर्जी, वो मेटलर्जी वाला पीवाईक्यूज में भी आ रखा है, तो पीवाईक्यूज भी कर ले। और एक थर्ड क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, बट वो भी उससे आता है। ऑर्गेनिक में भी बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट आते हैं। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एनसीईआरटी से ही आती है। तुम 2018 का जेईई एडवांस का पेपर उठाना, वहां पे एक रिएक्शन लिखी होगी, कई सारी स्टेप्स में लिखी होगी, 7-8 स्टेप्स होंगे, देख के तुम्हें डर लगेगा, लेकिन एक बार एनालाइज करना कि क्या ये सारी रिएक्शन अगर मैं पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी, देन यू विल फाइंड द आंसर यस, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ो, बस वो मर्ज करके एक साथ दे देते हैं तो तुम्हें लगता है कि बाहर से आ गया, नहीं, अगर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करोगे तो वो एनसीईआरटी से ही आया है। फोर्थ, सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल्स। मॉड्यूल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा तुम्हें, राइट, यू कांट वेट मोर, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। अब मॉड्यूल में, मॉड्यूल से मैं क्यों कह रहा हूँ स्टार्ट करो, बिकॉज मॉड्यूल टीचर्स डिजाइन करते हैं एंड दे आर एक्सपर्ट्स, उन्होंने अपने फील्ड की सारी बुक्स पढ़ रखी होती है, चाहे वो तुम्हारी सिंगेज हो गई, अरियंत हो गई या और कोई बुक हो गई, राइट, वो सारी पढ़ रखी होती है, उन सारे में से जो अच्छे क्वेश्चन रहते हैं वो मॉड्यूल में रहते हैं। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पहले मॉड्यूल के सॉल्व करो, फिर किसी पर्टिकुलर बुक या पीवाईक्यूज पे मूव ऑन करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आई वुड से पीवाईक्यूज पे मूव ऑन करना है, फिर बुक पे। अब वो जो पॉइंट जो तुम्हें सरप्राइज करेगा कि एडवांस में वाकई ऐसा होता है, देयर इज अ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ इन जेईई एडवांस, राइट, दिस ईयर इट वॉज 6 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, 6 मार्क्स इन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड 6 मार्क्स इन फिजिक्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 70-60 लाते हैं फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में 5 मार्क्स आए थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है जेईई एडवांस में, राइट। तो ये कभी भी सोच के मत जाना कि दो सब्जेक्ट से काम बन जाएगा, तुम्हें थर्ड सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी देनी है, एटलीस्ट इतना तो दो तो कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड ही स्कोर्ड 80 मार्क्स इन फिजिक्स एंड ऑन द अदर हैंड ही स्कोर्ड आई थिंक 7 or 8 मार्क्स इन केमिस्ट्री। सो बाद में मुझसे कह रहा था यार बच गए किसी तरह एक दो नंबर आगे आगे तो सिलेक्शन हो गया, अगर एक क्वेश्चन और गलत हुआ होता तो शायद वापस चले जाते। तो किसी भी सब्जेक्ट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, उसको तुम चाहोगे ज्यादा टाइम दो, और देना भी चाहिए, एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दोगे देन ओनली यू विल स्कोर बेटर रैंक इन जेईई एडवांस। अब और पॉइंट्स बताता रहूंगा मैं आने वाली कुछ वीडियोस में, अभी तो जेईई एडवांस दूर है, अभी जेईई मेंस आ रहा है, बट एक काफी अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, सो मैंने सोचा कि इसका आंसर दे देता हूँ। इसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस पूछे गए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, डोंट वरी, हैव पेशेंस, एंड अगर तुम्हारे और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। दैट्स इट, थैंक यू।